माजी। अरे आजा बेटा। कैसी हो माजी? हाँ, पहाड़ पर गया था क्या? हाँ। अच्छा, मंदिर जाता है तभी दाढ़ी नहीं करता। मालिक कहाँ है माजी? वो ऊपर माले पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं उन्हें ये देकर आता हूँ। ए, हाँ? यहाँ दो दिन से ना वो बहुत उदास हैं। क्यों, क्या हुआ? त्योहार खत्म हो गया ना, भाई साहब आएंगे अपनी गाड़ी लेने, इसीलिए। वो कैसे? इतने दिनों तक हमने बच्चे जैसा संभाला, अब अचानक गाड़ी लेकर चले जाएंगे? तुम लोगों से किसने कहा था दूसरे की गाड़ी बच्चों की तरह संभालो? हमेशा से कह रही थी ना, कोई सुनता कहाँ है मेरी बात? हाँ, खैर छोड़ो ये सब, जाओ उन्हें बुला कर लाओ, बात करके देखते हैं, हो सका तो ऐसी दूसरी गाड़ी ले लेंगे, है ना? हाँ? नहीं माँ जी, दूसरी गाड़ी नहीं चाहिए, हम यही गाड़ी रख लेते हैं। उन्हें चाहिए तो दूसरी गाड़ी लेकर दें क्या? क्या कह रहा है वो? एक तो अपनी गाड़ी संभालने के लिए देकर गए थे हमें, अब उसे हम अपनी बनाकर उस पर कब्जा कर ले? ये किस तरह की इंसानियत है? कोई भला इंसान ऐसा काम करता है क्या? कुछ भी बोलता रहता है। हमारे पास पैसे हैं तो क्या किसी की कोई चीज रख लेंगे हम? मालिक आ गया, इतनी देर कहाँ था? माजी को बोल पानी रख दे, मैं नहा कर आता हूँ। क्या हुआ, तू उदास क्यों है रे? मालिक, शनमुख जी आएंगे तो उन्हें पैसे वैसे देकर गाड़ी ले लेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो उनके पैर पकड़कर किसी भी तरह गाड़ी लेने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा मत सोच, इतने दिन गाड़ी हमारे पास थी तो हम लोग गाड़ी के बिना सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी नहीं रह पाएगा। इतना ही क्यों, माँ जी भी नहीं रह पाएंगी। मालिक, गाड़ी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नहीं, क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये मत पूछो, और ना ही मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन गाड़ी वापस नहीं जाएगी ये मैं जानता हूँ। बस बस, अरे आगे उनको लेकर आओ। भाई आइए 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 आइए, आ जाओ आइए, बस बस और अच्छा बना, आइए बैठिए बैठिए। मुझे तो घर बैठिए, ऐसे थोड़ी होगा भाई, यहीं बैठिए ना, बैठो भाई, दो भाई को दो। अरे भाई को अच्छे से खाने खिलाओ। अरे सुन, थोड़ी सी सब्जी दे। देखने में डर लग रहा है भाई। अरे पागल, उधर देख। देख रहे हैं भाई? अब तो पक्का नहीं देखेगी। देखा क्या, वो लोग तेरा पीछा कर रहे थे। चलो जल्दी करो। ए देख, वो लोग यहाँ भी आ गए। कर रहे हो? आज की बात मेरे पीछे मत आना, समझ गए?
गया भाई, उस लड़की ने गुस्सा किया इसलिए उदास हो गए। मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये सब हमें नहीं चाहिए। गाड़ी लेकर गए और चुपचाप वहाँ से वापस भी आ गए। भाई 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 क्यों भाई, मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? मैं उदास हूँ ऐसा? तू चुपचाप देखते रहने का काम कर। एक लड़की खुद ब खुद आकर बोलती है क्या कि मेरे पीछे घूम घूम घूमता रहे, उसे कैसे हैंडल करना है ना मुझे पता है। निकल, नहीं तो और मारूंगा। चल ए मुरगेश। जी मालिक। चले क्या? हाँ जी मालिक। ये ना लेता तो इसे भी लेकर चलते। उसे नहीं ले जाना है, आप चलिए। अरे सुनो, चल रही हो क्या? कहाँ? हाँ, फिल्म देखने मंदिर चलते हैं। मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाने के लिए मैं गाड़ी में क्यों बैठूंगी? इतने दिनों तक क्या मंदिर गाड़ी से जा रही थी? और वैसे भी तो आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है। पहले गाड़ी चलाना सीख लीजिए, उसके बाद कहिएगा कि गाड़ी में आकर बैठ, फिर आकर जरूर बैठूंगी आपकी गाड़ी में। दूसरों की गाड़ी में नहीं बैठना है मुझे। ए, अरे सुनो तो। अरे ये तो कैसे बेइज्जती करके जा रही है? देखना एक दिन मैं चला के दिखाऊंगा। हाँ रेडी हो क्या? हाँ आप चलाएंगे? हाँ चलाएंगे ना। जाइए। तो चलो फिर, ठीक है। मालिक। हाँ पहले दरवाजा ढंग से बंद करो। हाँ दो ही दिन में सीख जाऊंगा ना? नहीं, दरवाजा हाथ में आ जाएगा। चलिए अब मतलब की बात करूं। मुरगेश। हाँ गाड़ी चलाते हो बार बार इशारे में किस लिए देखते हैं? वो हवा आती है ना अंदर, तो बाल इधर उधर हो जाते हैं ना सर के। हाँ? अरे मालिक पीछे से कोई गाड़ी आती है नहीं देखने के लिए, अब तो आया ना समझ में। ये पैर के पास जो तीन रॉड है ना उसी पर गाड़ी चलती है। हाँ? मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? उधर देखो ना पैरों के पास। हाँ? ये पहले रॉड पर सीधे पैर रखो। हाँ? वो है क्लच। हाँ? और तीसरे रॉड पर दायां पैर रखो। अरे आप पैर रखो ना, तीसरी रॉड बीच में, मेरा पैर खाली है उस पर पैर रख दूं क्या? क्या मुर्गेश ऐसे नाराज नहीं तो क्या? मैं समझा रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? हाँ ठीक। पहला रॉड है क्लच, तीसरा रॉड है एक्सीलेटर, और बीच का रॉड है ब्रेक। हाँ पहला रॉड, तीसरा रॉड पहला रॉड, बीच का रॉड। मेरा मुंह मत देखिए, नीचे देखिए ना। पहला रॉड, पहली रॉड, तीसरा रॉड मुर्गेश, पहला रॉड, पहली रॉड, तीसरा रॉड, तीसरी, बीच का रॉड, बीच की रॉड, तीसरा रॉड मुर्गेश, बीच का रॉड मुर्गेश, मुर्गेश, पहला रॉड मुर्गेश। मालिक। ए मुर्गेश बता, पहली रॉड क्लच। मुर्गेश पहली रॉड क्लच। क्लच 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 ही तो है। हेलो। अरे तुम्हारे मालिक कहाँ है? आप कौन? मैं सनमुगम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। जरा उन्हें बुलाना। हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ। मालिक, मालिक क्या हुआ? कौन है फोन पे? शनमुगम जी का फोन है। अच्छा अब उनका फोन क्यों आया होगा? अरे कहाँ भाग रहा है तू? मालिक वो शनमुगम जी का फोन है। क्या बोला वो? पता नहीं, माजी बात कर रही है। बात कर रही है? तुझसे क्या कहा वो बताना। मैंने उतनी बात नहीं की। क्या कह रहा होगा फोन पे मुझे पता नहीं। क्या बोल मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मजी आ रही है। सेल्वी। हाँ माजी। वहां सब काम हो गया? अभी हो जाएगा माजी। मुर्गेश। हाँ पूछ। आप ही पूछिए ना। पूछना मालिक। माजी माजी। हाँ? नहीं शनमुगम जी ने फोन पे क्या बोला? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आने में कुछ दिन और लग जाएंगे। ये क्या, एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ऐ कर रहे हैं। गाड़ी देकर ना अंधे हो गए हैं आप। हाँ
तुम बात कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी बाद में दो बात कर लूंगा, लेकिन तुमने तो बात करके काट दिया फोन। क्यों बे, गाड़ी ऐसे ही धोते हैं क्या? ये पीड़ा हाँ? ये सब क्या है? कितना भी साफ करो ऊपर से फूल गिरता है। हाँ बराबर जवाब दे रहा है, तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ। रुक। हाँ तो मुर्गेश। जी मालिक। मैं रेडी हूँ। हाँ। चल 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 आजा 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 चल चल गाड़ी चलाएंगे। हाँ। मालिक वो भूसा लेकर आना है ना राइस मिल से। अरे वो अभी जरूरी है क्या? मैं गाड़ी चलाने के लिए सुबह से तैयार होकर बैठा हूँ और तू अब भूसा भूसा कर रहा है। चल ना हम लोग चलते। मालिक कितने दिन हो गए आपको मैं गाड़ी सिखा रहा हूँ? क्या कितने दिन हो गए? हाँ ये पूछ कितनी बार चलाया? एक बार ही चलाया, सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा ये बता दे। वो सब छोड़िए, गाड़ी सिखाने को लेकर कितने दिन हो गए? चार दिन हो गए। गाड़ी सिखाने का जो शुरुआती दिन होता है ना वो पहला दिन पकड़ा जाता है। तो क्या करना होगा? चार दिन चलाएंगे तो 10 दिन का रेस्ट चाहिए। कुछ बोले जा रहा है मालिक, गाड़ी चलाना भी एक कला होती है। जैसा सोच रहे हो वैसी मामूली बात नहीं है। इस रॉड को 4 बार दबाते ही गाड़ी चलाना सीख जाओगे क्या? ये देखिए इसके अंदर कितनी मशीनें आपको पता भी है? मालिक इधर आप, यहाँ पर जो एक एक चीज देख रहे हो ना उन सबकी एक एक वजह है। अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा चला जाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन तू तो गाड़ी डेली चला रहा है ना। वो गाड़ी चलाना सिखाने की बात है और ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी इस गांव में सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? मैं ही हूँ ना। छोड़ो छोड़ो हमें क्या करना है? मालिक आप चलाने से गाड़ी को कुछ हो गया तो क्या? अरे रे वहां तक नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर भी रिस्क लोगे तो ही आप गाड़ी चला सकते हो ना। जल्दी से गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी? चलाना। हाँ तो बस ठीक है। अब तक तूने जो कुछ मुझे सिखाया ना मैं उसे याद करने की कोशिश। बहुत बढ़िया। मुर्गेश अगले महीने मेरी शादी की सालगिरह आ रही है। अब तक गाड़ी चलाना सीख जाऊं तो तेरी माँ जी को बिठा के मंदिर तक ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया गाड़ी चला लोगे मालिक। ऐसा क्या और क्या? सही है। अरे तुझे कहीं जाना था, तू जाकर आ। हाँ वो भूसे की बोरी लेने जाना। हाँ ठीक है ठीक है। ए पीड़ा। हाँ? मैं तो बच गया यार, ये तो आज भी वो मेरा कीमा बना देते। क्यों गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया है उनको? तो फिर मुझे भी सिखाना चाहिए था ना, गलती से पूछ लिया मैंने। उतर बे और जाके पानी ले गया। जा पास वाले मंदिर में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखिए मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, कार के रेडिएटर में पानी डालना था इसलिए। मैं बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो, इस गांव में मेरे पिताजी का नाम है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? ठीक है हो गया ना, अब तुम मुझे पसंद हो, शादी करोगी? लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे मुझे। आज के बाद मेरा पीछा मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं। जब भी तुम मेरा पीछा करते हो मैंने कभी तुम्हें मुड़कर देखा है क्या? मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? हैं? ऐसे क्या देख रहे हो? जहाँ भी जाती हो मेरे पीछे चले आते हो। हाँ अभी थोड़ी सी बात कर ली तो आज की बात मेरा पीछा मत करना। अरे गाड़ी के रेडिएटर में पानी। तुम मेरे मिल के सामने आकर खड़े हो गए थे, एक दिन गाड़ी को बीच में रोककर देख रहे थे, एक दिन दुकान के पास खड़े होकर देख रहे थे। मैं मंदिर जाती हूँ वहाँ भी चले आते हो। मैं शांति से दुकान भी नहीं जा सकती, काम पर भी नहीं जा सकती, कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे चले आते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। मैं किस किस को क्या जवाब दूँ बताओ? मेरे पापा का इस गाँव में नाम है, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि आज की बात मेरा पीछा मत करना, और ये मैं तुमसे आखिरी बात कह रही हूँ। बस एक ही बात बता दो, मैं तुम्हें पसंद हूँ?
देखा तूने? उन्होंने गाड़ी डाल दी ना, अब गांव वालों को मेरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो तो दिख रहा है मालिक। चुप कर ना तू। क्या कलर मारा है कसम से। अभी तक आई नहीं भाई है? भाई आ रही है लगता है। अरे कौन है रे, कार बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। भाई अगर कोई गांव वाला होगा तो लफड़ा हो जाएगा, संभाल के। क्या पॉपो करके हॉर्न बजा रहा है बे? सामने से गाड़ी जा रही है, दिखता नहीं है? हाँ, जोर से चलाने वाला रोड है क्या ये? धीरे से आबे। उसको बोल गांव में गाड़ी जोर से नहीं भगाने का, शहर जाके भगाने का। आपकी बातें सुनने के बाद अब वो घूम कर भी नहीं देखेगा। देख रहे हैं भाई कैसे गाड़ी भगा के जा रहा है, जैसे सांप सूंघ गया हो उसे। अरे बाप रे, हैं? मालती आई होगी यार। क्या हुआ, वहां क्यों देख रही है? तुझसे ही पूछ रही हूँ। गाड़ी आ गई है, तू वहाँ क्या देख रही है? क्या हुआ तुझे, चल ना, नहीं जाना है क्या? अरे क्या हुआ तुझे, चल चल। हे पोस्टमैन कब आएगा बे? उसके आने का टाइम हो गया। ए अरे आ गया वो। अरे आओ भाई आओ। कैसे हो, बढ़िया हो ना? अरे आओ ना, आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ बात करते हैं, पहले इसको खोलो तो सही। ये लो खोलो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, खोलो। अच्छा रुको, करता हूं, खोलो जल्दी। अरे गांव वालों को लेटर है, फाड़ मत देना। सुनो मेरी बात, मेरी बात। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये पागल लड़का है। कल मैं कुट्टारम जा रही हूँ, मेरा बहुत ही जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। ए साइकिल क्यों गिरा दिया बेवकूफ कहीं का? क्या हुआ भाई, यही है क्या? अब तुम लोगों का यही काम रह गया है, जिंदगी में नहीं सुधरोगे। आज गाड़ी दिख क्यों नहीं रही है? सुनिए जी, आज गाड़ी दिख नहीं रही है, आखिर कहाँ गई? कहीं भी लेकर जाए तुम्हें क्या, तुम्हें तो गाड़ी में बैठना ही नहीं है ना। हे भगवान, आपसे तो पूछना ही बेकार है, कहीं भी जाए गाड़ी मुझे क्या।
ए, दुकान के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हो? अरे भाई, वो हमारे गांव वाले घूमने आए हैं और परिवार के साथ हैं। उनके साथ एक बच्चा भी है, वो आया है कि नहीं जरा देख रहा हूँ। आपने आते हुए देखा क्या? क्या भाई, प्यार है क्या? हाँ, एक चाय दे। अरे इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? तुम्हारी तरह वो लड़की भी तुम्हें कहीं ढूंढ रही होगी। आप ही ना भाई, कुछ भी बोलते हो। पापा आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, हाँ। जल्दी आ जाना बेटी। बस स्टैंड के बाजू में फोटो स्टूडियो है, तुम वहां आ जाना। ठीक है। ए! हाँ, जरा सीधे खड़े रहो। एक मिनट, एक मिनट। ए पीड़ा, अरे जल्दी आ, अरे जल्दी आना यार। हाँ मुसीबत है, पूरा गांव घूम कर आता है, यहाँ बोलता है जल्दी है। तीन बातें याद रखो, सीधे पैर में एक्सीलेटर, इस हाथ में क्या हुआ? ऐसे पैर क्यों हिला रहे हैं? नाचने का इरादा है क्या? और थोड़े दिन की बात है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, ऐसे कहने वालों को रहने दो। सुनिए जी, अपनी शादी की सालगिरह से पहले गाड़ी सीख लेंगे तो उसमें बैठकर मंदिर जाएंगे। अगर सीख ही रहे हैं तो फिर जल्दी सीख लीजिए ना। जरा खुशी तो देखो तुम्हारी, उस दिन जब मैंने बुलाया तो आई नहीं है, और अब तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनने वाला मैं। झूठ मत बोलिए मुझसे, आप उसी के लिए सीख रहे हैं ना, मैं सब जानती हूँ। बिना मतलब खुश मत हो, सब कुछ फुस हो जाएगा देखना। मैं भला क्यों फुस हो जाऊंगी, मैं क्या 16 साल की लड़की हूँ? देखिए मुझे सब समझ में आता है। देखो मैं लेकर तो जाऊंगा नहीं, बोल दिया तो फिर बेकार की बात क्यों? मुझे तो नींद आ रही है। इसकी चर्बी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुनिए, ये सब बचपना छोड़ दीजिए ना, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आप कैसे रहेंगे? अब तक तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? चुपचाप सोने दो मुझे। देखिए, अगर कल मुझे अचानक कुछ हो जाता है तो आप रह पाएंगे क्या? मुझे सब पता है आप कैसे आदमी है, आपको कोई नहीं झेल सकता। सुन रहे ना, मेरी तरह आपका ख्याल कोई भी नहीं रखेगा, याद रखिएगा मेरी बात। ये सब क्या है? मालिक, तू कब गया था भोसा लेने और कब तू आ रहा है, ये कौन सा वक्त है? नहीं मालिक, वो पीड़ा ही। अच्छा, मेरा नाम ले रहा है। मैं वो गाड़ी सीख रहा हूँ और सिखा कर उसे मंदिर ले जाऊंगा, ऐसा उसे कैसे पता चला? तूने बताया? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा। चिल्ला के क्यों बात कर रहा? नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर कैसे उसे पता चला? ये बता ना, क्या मैं इतनी जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा? बस इतना ही ना, कैसे सिखाता हूँ आप देखना। आप और माँ जी कुट्टारम जा रहे हो। मैं मंदिर जाने की बात कर रहा हूँ और तू दूसरे शहर जाने की बात कर रहा है। मालिक, मंदिर जाकर वैसे कुट्टारम जाएंगे, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, ठीक है। बच गए।